कोरोना वायरस के बढ़ते मामले देश पंजाब सरकार ने सख्ती के दिए आदेश। कोरोना वायरस के बढ़ रहे हैं लगातार मामले। फिरोजपुर में 31 मामले कोरोना पॉजिटिव। फिरोजपुर के एसएसपी ने शहीद उधम सिंह चौक पर जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उन लोगों को मास्क बांटे और लोगों की मौके पर कोरोना टेस्टिंग करवाई। पंजाब में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए जिला फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर ने धारा 144 के तहत जिला फिरोजपुर में सभी धार्मिक स्थान, दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, ढाबे, मैरिज पैलेस, होटल, फूड प्वाइंट 10 बजे के बाद पूरी तरह से बंद करने के हुक्म जारी किए हैं। जिला फिरोजपुर में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। देखो, मैं पहले भी फिरोजपुर वासियों ने अपील की थी है कि कोरोना दोबारा एक बड़ी भयानक रूप में आ रहेगा। सबकी जान है जो खुद के हाथों पहले होती है। पुलिस एक इम्प्लीमेंट करवा सकती है, लेकिन एक कोरोना महामारी ऐसी है कि जिदा तुसी अगर खुद ध्यान रखोगे तो बड़ी आरामी नाल इसको निपटा जा सकता हैगा। मैं फिर दोबारा फिरोजपुर वासियों से अपील करता हूँ कि कोरोना नू मद्देनज़र रखते हुए जदों भी घरों से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। जड़े भी सोशल गैदरिंग होती है उन्हें बच्चे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उन्होंने पालन करो। उत्थे बिना मास्क पहने हुए मत जाओ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हमेशा हाथ धो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो। कल साढ़े डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला, असं उन्होंने बिल्कुल चंगी तरह उसे इंप्लीमेंट करवाएंगे। 10 बजे बाद में कोई भी होटल, मॉल वगैरह, अदारे वगैरह रात में खुले नहीं रहे। असं पूरी उन्होंने सख्ती नाल बंद करवाने की कोशिश करेंगे। ठेके भी सर बंद रहेंगे? अभी बेसिकली होटल, मॉल और रेस्टोरेंट वगैरह इन्हों के ऑर्डर निकालेंगे। आज तुम देख रहे हो असी जो वॉयलेशन कर रहे हैं उन्होंने तो चलान बना रहे हैं या मास्क बन रहे हैं या आरटीपीसीआर टेस्ट भी करा रहे हैं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट होगी और दोबारा कोविड के सारे जो गाइडलाइन उन्होंने पालन की जाए। एन स्टार न्यूज के लिए फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।